बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं कश्यप व्लॉग। और जो है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। और खुशी का इजहार उस वक्त भी बहुत ज़्यादा होता है जब आप मेरी इस मूवी को, इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आपने जो है मेरी इस वीडियो को एंड तक देखा है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो है बच्चों की फरमाइश पर लिए हैं मुर्गियों के चूज़े, और चूज़ों के जो है इंतजाम भी करना होता है, क्योंकि चूज़े रखने कहाँ हैं, क्योंकि बिजली का खतरा रहता है, बिजली खा जाती है। तो और दूसरी बात कि रात से जो है ठंडे अचानक से बारिश के जो है मौसम बने हुए हैं, बारिश भी आ जाती है, कमरे में रख नहीं सकती। तो मैंने जो है लकड़ी का दरवाज़ा तो लिया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसूफे थे। उसकी बिना पर मैंने जो है ये फैसला किया कि क्यों ना थोड़ी सी ईंटें घर में रखी हैं, और उसका जो है उनका फ़िलहाल वक्ता तौर पर हम जो है दरवाज़ा बनाते हैं, और उनका जो है गुजर थोड़ा सा रात एक दो दिन गुजर जाए। और ऊपर से जो है रमज़ान शरीफ भी है और रोज़े भी रख रहे हैं, तो इसी वजह से हमें जो है टाइम नहीं मिल रहा। तो मैं आपको दिखाती हूँ मुर्गी का जो है हम घर बनाने लगे हैं, मुर्गी के बच्चों का घर बनाने, यानी चूज़ों का घर बनाने लगे हैं। और इसको थोड़ा सा हल्का सा जो है प्लस्तर भी कर रहे हैं ईंटों को, ताकि ईंटें जो है मुर्गी ना गिरा सके और मज़बूत जो है उसका एक छोटा सा दरवाज़ा बन जाए, उसका घर बन जाए, और चूज़े जो है बआसानी अपना जो है इस में रहकर जो है अपना वक्त गुजार सकें, और सर्दी और जो है बारिश से जो है बच सकें। तो चलते हैं और इसकी जो है तैयारी का मरहला देखते हैं, और आपको मिलवाते हैं, आपको दिखाते हैं चूज़े जो कि मैंने अपने बच्चों के लिए खरीदे हैं। और आगे
जो है अब पेंट कर रहे हैं इसके ऊपर। ये पेंट रखा हुआ था तो इसकी जो है मैं ये दीवारें बना रही हूँ और फिर जो है इसको कलर जितनी कोशिश है उतनी तो कर रही हूँ, ताकि जो है कलर करने से ये बेहतर हो जाए। तो ये आप कलर देख सकते हैं, इसी तरह जो है मैंने इसकी इस वाली दीवार पर भी जो है कलर कर देना है और ये लगाए हैं ताकि जो है बिल्ली जो है अंदर ना जा सके और चूज़े जो है आराम से निकल कर आ जाए। मैंने चूज़े इसमें रखे भी थे और फिर इसकी जो है छत भी बना ली है, इसके थोड़ा सा ये कवर कर दिया है ताकि जो है बच्चे चूज़े मुर्गी के इसके जो है ठंड ना लगे रात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं कश्यप व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और जो है आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो है अपने बच्चों की फरमाइश पे ख़रीदे थे चूज़े, और बेटा जो है वो ज़िद कर रहा था कि मम्मा जो है मुझे चूज़े लेने हैं तो आप मुझे जो है चूज़े लेकर दें। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि चूज़े मैंने लिए थे तो मैंने उनका जो है एक घर बनाया था, और घर बनाने के बाद उनका जो डरबा होता है वो बनाने के बाद मैंने उन चीज़ों को जो है बंद किया हुआ है और मैंने रात गुजारी है। और फिर जो है अब मैं जो है उनकी खोलने लगी हूँ, उनका खाने पीने का टाइम हो चुका है और जो है दिखाते हैं उनको जो है दाना पानी भी डालते हैं। और लिए चलती हूँ मैं आपको चूज़ों की तरफ, और जो वो देखें जो है उनका सामने मैंने जो है घर बनाया हुआ है। तो आज जो है मैं आपको उनका घर दिखा रही हूँ और बहुत जल्दी से निकलेंगे, और उन्हें जो है बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होगी तो खिलाते हैं उनको खाना पीना। जी हाँ, मैंने जो है इनके लिए लिए हैं चावल। और मैंने सुना था कि जब मैंने इन्हें ख़रीदा था तो उसने कहा था कि इस इनको जो है चावल डाला करें, ये चावल शौक से खाते हैं, और ये जो है गंदू जो है दलिया शौक से खाते हैं, इन्हें रोटी भी चूर कर जो है दी जाए तो छोटी छोटी बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में तो ये बहुत ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। तो अब मैं चावल लेकर आई थी तो ये दिखाती हूँ मैं आपको चावल।
जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा जो है भूख लगी हुई है और ये बेताब हुए पड़े हैं। वो कहता है कि मैंने पहले खाना है, वो कहता है मैंने पहले खाना है। तो इन्होंने जो है मेरे चावल को जो है सपने किया। ये देख रहे हैं आप कि मैंने चावल के दाने यहाँ पर गिराए हुए। चावल जो है ये शौक से नहीं खा रहे बल्कि ये जो है कहते हैं कि हमें खाना चाहिए। तो ये जो है थोड़ा सा सालन था इसमें, और सालन जो है मैंने यहाँ रखा, आलू वगैरह का सालन था। तो ये जो है उस सालन पर चिपटे हुए हैं कि जो है हमें ये चीज़ पसंद आई है, इन्हें चावल जो है पसंद नहीं आए। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं और मैं इनको देने लगी हूँ जो जी। तो व्यूअर्स मैंने इनको दिया है खाना, तो जब भी मैंने इन्हें चावल दिए तो चावल को इन्होंने बिल्कुल भी कबूल नहीं किया। तो ये जो है सालन पसंद कर रहे हैं कि हमें जो है सालन खिलाया जाए। तो अब इनकी जो है फरमाइश मुझे पूरी करनी पड़ेगी, तो मुझे जो है इनको डेली सालन देना पड़ेगा। या फिर मैंने इनके लिए तरबूज काट के रखा था कि ये शौक से खाएँगे, तो तरबूज भी मैंने साइड में रखा हुआ है और तरबूज डालूंगी। और ये जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और पौधों में जो है बार बार जा रहे हैं। तकरीबन आधा एक घंटे इनको जो है फ्री छोड़ने के बाद मैं इनको थोड़ा सा खेलने का मौका देती हूँ ताकि इनके जो है पर बड़े हों, इनके जो कूदें खेलें और चलें फिरें, तो ये थोड़े से बड़े बड़े हो जल्दी हो जाएं। और बेटा जैसे स्कूल से आता है तो इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो सबसे पहले वो जब घर में एंट्री करता है तो इन्हीं के बारे में पूछता है, मम्मा मेरे चूज़े कैसे हैं। तो फिर ये आकर जो है इनका दरबा खोलता है और इन्हें देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, ये तो बहुत प्यारा, इसके पर निकल आए तो इनके वाइट वाइट पर भी निकल आए। ये देखें, ये इसके पर निकले हुए हैं। ये अब शैतान हो गए हैं जी, मेरे काबू भी नहीं आते हैं। मैं अगर इन्हें पकड़ती हूँ तो ये भागने की कोशिश करते हैं। ये देखें इनके ये वाइट पर निकल आए। ये ग्रीन कलर का है और ये भी छोटा है बहुत, और ये येलो कलर का है। ये देखें इसके भी जो है पर निकल आए हैं, कितना प्यारा लग रहा है ये। जब मेरा बेटा इसे हाथ में लेता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो मैं कहती हूँ कि इसे हाथ में ना लिया करें आप, और इसको जो है ना ऐसे खेलने दिया करें, बस ऐसे देखा करें। ये देखें, आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में है करी और ये मेरी ही जो है लगे हुए खजूर की तरह का पौधा छोटा सा लगाया था, तो ये एक्स्ट्रा खड़ी थी तो मैंने इसे काट कर जो है बीच में रख दिया था और फिर ये जो है सूख गई है और छड़ी बन गई है। अभी मुझे ये फ़ायदा दे रही है कि जब मुझे चूजों को बंद करना होता है तो मैं एक छड़ी की मदद से कोशिश करती हूँ और जो है ये बास आनी अपने घर को चले जाते हैं। मुझे इसकी मदद से इनको जो है इकट्ठा करके इसके घर में जो है डालना पड़ता है। तो आप देखें कि मैं इन्हें कैसे बंद करती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे जो है हीटिंग गर्मी महसूस हो रही, धूप जो है मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो मैं अब इनको बंद करने के बाद इन्हें काफ़ी टाइम हो चुका है, खेलते हुए खा लिया इन्होंने पी लिया और जो है इंजॉय बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कोई यहाँ आए कोई यहाँ आए खेलता फिर जाए, तो अब मैं जो है इन्हें बंद करने के लिए कैसे बंद होते हैं। जी हाँ, आपको दिखा रही हूँ कि ये मैं इनको कैसे बंद करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैं इस छड़ी से जो है इनको बंद करने लगी हूँ, आप देख सकते हैं। और गर्मी जो है ज़ोरों पर है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और जो है घबराहट सी महसूस हो रही है। तो मैं जो है इन्हें बंद करने के बाद अब जो है रूम में चली जाऊँगी और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी। चूज़े पालना जो है भाई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो है अगर इन्हें ख्याल ना किया जाए तो ये जो है ना इनका, अगर मैं इनको इनके हाथ पर छोड़ दूँ तो यहाँ पर बिल्ली आती है और वो बिल्ली इनको खा जाएगी, क्योंकि पहले ऑलरेडी 5 चूज़े जो है मेरे बिल्ली खा चुकी है, जो कि मैंने पहले बच्चे के लिए ख़रीदे थे। और अच्छा भी लगता है कि मेरा टाइम पास हो जाता है इनकी वजह से। तो मैं अब चली हूँ इनको बंद करने के लिए, तो आप देखते रहिए कि छड़ी की मदद से मैंने कैसे इनको इनके घर तक पहुँचाती हूँ।
तो व्यूअर्स ये बासानी अपने घर में चले गए और ये निकल रहे हैं। घर बंद कर देते हैं ताकि जो है बिल्ली ना छोड़ ना सके, क्योंकि पहले भी बिल्ली जो है चूहे खा चुकी है और इन्हें बासानी से ईंटों को गिरा दिया था, तो मैंने इसके मजबूत जो है किले खड़े कर दिए ताकि बिल्ली अंदर आ जाए। ये लोहे की जो है सरिया है और ये सपोर्ट कर रहे हैं इन भट्टियों को ताकि ये जो है खुलना चाहिए। मेरे पास जो है इतना टाइम नहीं था कि मैं इसका दरवाजा जो है और इसका लकड़ी का बना सकती, तो मैंने ईंटों का बना दिया। तो अगर आपको जो है मेरी ये जी, तो व्यूअर्स मैंने कर दी है मुर्गियों के बच्चों को बंद, चूज़ों को बंद कर दिया है। और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी जो है मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।